का तक तोल बता दो, बीज बता दो पानी का, शंकर जी का गुरु बता दो, पुरुष बता दो नारी का। ओम जय सियाराम। मित्रों, आज का प्रश्न एक पहेली है जिसको बहुत सारे लोगों ने पूछा है। उनमें से कुछ लोग इस प्रकार हैं। पहले हैं श्रीमान सुशील झरिया और श्रीमान महावीर यादव। इन दोनों का एक ही प्रश्न है कि धरती को कोई तोल बता दो, बीज बता दो पानी का, शंकर जी का गुरु बता दो, पुरुष बता दो नारी का। और एक तीसरे मित्र हैं श्रीमान कन्हैया लाल जी, और इनका ये प्रश्न जो लगभग इन्होंने 5 महीने पहले पूछा था और इसी से संबंधित है। तो इनका प्रश्न है कि पृथ्वी की लंबाई बता दो, बीज बता दो पानी का, महादेव के पिता बता दो, पति मंथरा रानी का। अब इन लोगों के अतिरिक्त और भी कई मित्र हैं जिन्होंने यही प्रश्न घुमा घुमा कर पूछा है, तो जिनके नाम कमेंट बॉक्स में ढूंढ नहीं पाया हूं। कृपया आप सभी अपने उत्तर को देखकर कमेंट अवश्य कीजिएगा। इस पहेली में 4 प्रश्न पूछे गए हैं, और अगर दूसरी पहेली को जोड़ लें तो यहाँ पर 3 और प्रश्न जुड़ जाते हैं, कुल 7 प्रश्न हो जाते हैं। तो अब पहेली का एक एक प्रश्न उत्तरित करते हुए चलते हैं। पहला है धरती का तक तोल बता दो, और उसी में दूसरा है कि पृथ्वी की लंबाई बता दो, जो दूसरी पहेली में कन्हैया जी ने पूछा है। तो इन दोनों का एक साथ उत्तर करते हैं। इसमें वैदिक मत जो है वेदों में और पुराणों में जो मिलता है, तो भूमंडल का विस्तार 50 करोड़ योजन है, ये स्थिर और गोल है। पृथ्वी की धुरी या बीच भरत खंड के दक्षिण में है, और जिसका विस्तार 1000 योजन है। 50 करोड़ योजन मतलब इसको गुणा करो 8 से, बराबर 400 करोड़ किलोमीटर, अर्थात 100 करोड़ वर्ग किलोमीटर का टोटल भूमंडल है वेदों के अनुसार, और इसके अंदर समस्त समुद्र इत्यादि भी हैं। अब वैज्ञानिक मत, पृथ्वी का अनुमानित वजन 5.972 और गुणा करो 10 से, गुणा करो 24 पदम मैट्रिक टन, ये वैज्ञानिकों का अपना वो है, लेकिन आध्यात्म में इसका वजन नहीं मिलता। अब वैज्ञानिक मत के अनुसार पूरी पृथ्वी की लंबाई 12713 किलोमीटर है और चौड़ाई 12756 किलोमीटर है, तो टोटल भूमंडल हो गया 16,21,67,028 वर्ग किलोमीटर। इसमें सिर्फ वो भाग है जहां पृथ्वी है, टोटल भूमंडल लगभग 96 करोड़ वर्ग किलोमीटर का है। मतलब वैदिक और वैज्ञानिक दोनों ही तरीके से लगभग 100 करोड़ वर्ग किलोमीटर का संपूर्ण भूमंडल है। अब दूसरा प्रश्न हुआ बीज बता दो पानी का। इस संबंध में मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि परम ब्रह्म परमात्मा भगवान महाविष्णु जो क्षीर सागर में शेष सैया पर हैं, वह स्वयं ही जल का बीज हैं, जिसका वर्णन शिव पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में और अन्य लगभग सभी ग्रंथों में मिलता है। भगवान के शरीर से ही श्रम जल निकला है और वही क्षीर सागर बना और फिर पूरे ब्रह्मांड में जल हुआ, अतः जल का बीज स्वयं भगवान विष्णु ही है। फिर तीसरा है शंकर जी का गुरु बता दो। भगवान शिव शंकर के गुरु जो शास्त्रों में मिलता है कई है। गुरु का मतलब गुरु होता है जिससे आप कुछ सीखते हैं और आप उसको गुरु मानते हैं। शिव तो सर्वज्ञ हैं, उनका कौन गुरु हो सकता है। फिर भी जिन लोगों को शंकर जी ने विभिन्न अवसरों पर गुरु माना है वो इस प्रकार हैं। जैसा कि आपको सबको मालूम है कि परिवार व्यक्ति की
प्रथम पाठशाला है, तो सबसे पहले उनके गुरु हैं स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा महाविष्णु, जिनको हम सब सदा शिव कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, जो निराकार और साकार दोनों रूप में हैं, जिन्होंने शंकर जी को संहार करने का आदेश दिया और क्या करना कैसे करना सब सिखाया, तो प्रथम गुरु हो गए। जगत जननी महामाया जो उनकी माता हैं, और माता तो पहली गुरु होती ही है, उनके अवतार रूप सीता का स्वांग करने के लिए शिव जी ने अपनी पत्नी सती का त्याग कर दिया था, तो वो एक गुरु हैं। तीसरा है, एक कथा के अनुसार जब शिव जी के हाथों ब्रह्म हत्या हो गई और उस महापाप से कैसे मुक्त होंगे, यह उपाय उनके वाहन नंदीश्वर ने बताया और शिव जी ने उनको अपना गुरु मान लिया था। चौथे महर्षि अंगिरा से उनकी वेद ऋचा सीखने के लिए उनको गुरु बनाया था। पांचवा, जगत जननी राधा की सखी ललिता को गुरु माना, जब भोलेनाथ गोपी स्त्री बनकर निधि वन में गए और उनको स्त्री वस्त्र पहनना ललिता ने सिखाया था, तब ललिता को शिव जी ने गुरु माना था। भगवान श्री राम उनके सर्वकालीन गुरु हैं, जब भी कोई उनको परेशानी होती है उनको ही बुलाते हैं, उनसे ही पूछते हैं, यहाँ तक कि जब पार्वती जी से विवाह करना था तब भी राम जी ने ही आकर उनको बताया कैसे क्या करना है, इसलिए वो श्री राम जी को हमेशा गुरु मानते हैं। और सातवें हैं भगवान श्री कृष्ण, जब अर्जुन को उन्होंने गीता सुनाई, उसके बाद जब शिव जी ने उनसे अलग से गीता सुनी थी और उनको गुरु स्वीकार करने के बाद ही गीता सुनी थी, और भगवान श्री कृष्ण का नाम जगत गुरु शिव जी का ही दिया हुआ है। अब आप जिसके बारे में पूछ रहे हो, समझ लीजिए हमने उनके सात गुरुओं के नाम बता दी। अब अगला प्रश्न, पुरुष बता दो नारी का, में आपको कोई स्वयंभू मनु को बताएगा, कोई शिव जी को बताएगा, कोई विष्णु जी को और कोई किसी को बताएगा, लेकिन यहाँ पर पुरुष का मतलब सिर्फ और सिर्फ आदि पुरुष परम ब्रह्म परमात्मा से है, और नारी का मतलब प्रकृति से है, यही दोनों कणकण में समाये हैं, सभी जीवित निर्जीव प्राणी और वस्तु में ये दोनों ही व्याप्त हैं, इनको साकार रूप में महाविष्णु सदा शिव महालक्ष्मी और महाशक्ति कहते हैं, और यही पुरुष और प्रकृति हैं, जिसका विस्तार में वर्णन गीता और वेद पुराणों में दिया गया है। यहाँ पर आत्मा को स्त्री और परमात्मा को पुरुष कहा जा सकता है, जो निर्गुण पंथी मत से तर्क संगत है, वस्तुतः दोनों ही उत्तर सही हैं और दोनों ही तर्क संगत हैं। फिर अगला है, महादेव के पिता बता दो। ओम स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा सदा शिव या महाविष्णु या आदि गणेश, ये तीनों नाम एक ही के हैं, जो आदि पुरुष हैं वही महादेव के जन्मदाता हैं और पिता हैं। अब अंतिम है पति मंथरा रानी का। दर्शक भी कहीं का कहीं जोड़कर क्या क्या प्रश्न करते हैं, एक विषय सृष्टि से ईश्वर से संबंधित चल रहा है, उसमें एक कड़ी मंथरा के पति की लगा दी। मंथरा कौन थी पूर्व जन्म में, उसकी भगवान श्री राम से क्या दुश्मनी थी जो दो जन्मों तक उसकी शत्रुता चलती रही, फिर भी भगवान उसको अपने भक्तों के नामों की माला में स्थान दिए हुए उसका भजन करते रहते हैं। कैसे उसने अकेले ही देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं को बंदी बना लिया था। देव माता अदिति की प्रार्थना पर भगवान विष्णु जब आए तो क्या हुआ, पूरी कथा विस्तार से देखने के लिए आप हमारे वीडियो जिसका लिंक ऊपर दिया जा रहा है आई में, उसको जरूर देखिए। मंथरा के विवाह की दो कथाएं मिलती हैं, जिसमें एक में तो कैकेयी के पिता ही उसके पति हैं, अतः इस विषय को आगे की कथा के लिए छोड़ते हुए चलते हैं और आशा करते हैं कि आपको आपके सभी प्रश्नों का सही उत्तर मिल गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर अवश्य कीजिए, जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अवश्य कर लें। अस्तु, जय सियाराम।